देखिए, कोरोना वायरस पहले भी विश्व में था, पहले भी इसकी वजह से इन्फेक्शन हो चुके हैं, इसकी वजह से नॉर्मल फ्लू भी होता है, इसकी वजह से जैसा हमने पहले देखा 2003 में 13-14 वगैरह में भी, जैसे कि सार्स और मर्स जैसे इन्फेक्शन थे जिन्होंने पहले भी दुनिया में अपना प्रकोप फैलाया था, ये भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन ही थे। जो अभी कोरोना वायरस है जिसे हम COVID-19 बोल रहे हैं, ये एक तरह का नया कोरोना वायरस है, एक नया वेरिएंट है जिसको हम पहले नहीं जानते थे, जो कि अभी अभी उभर कर आया है और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इस कोरोना वायरस के बारे में जो बुरी बात है वो ये है कि ये बहुत जल्दी फैल जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उससे दूसरे व्यक्ति में होने के चांसेस बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इसके बारे में जो अच्छी बात है वो ये है कि इसकी वजह से डेथ्स ज़्यादा नहीं हो रही हैं। जिन लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है उसमें से अभी तक दुनिया में 98% लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, वो मतलब कि वापस हेल्दी हो जा रहे हैं, जबकि 2-3% लोग ही हैं जिनकी इसकी वजह से डेथ हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा फेटल नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ नहीं हो रही है, जबकि पहले जो कोरोना वायरस सार्स और मर्स रहे हैं, सार्स की वजह से लगभग 10% और मर्स की वजह से लगभग 34% डेथ हुई थी, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से डेथ ज़्यादा नहीं हो रही है, बस ये फैलता बहुत जल्दी है। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें ताकि ये जल्दी जल्दी फैले नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।